नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक की प्रमुख खबरों को। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के 12 विश्वविद्यालयों में 4668 असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली के विज्ञापन को रद्द कर दिया है और नए सिरे से बहाली के लिए सरकार को आदेश दिया है। इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसले को सुरक्षित रख लिया था। अब आज कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के 2020 के विज्ञापन को रद्द कर दिया है और नए सिरे से विज्ञापन निकालने का आदेश दिया है। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 का पहला सेमीफाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच केपटाउन में खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5 रन से हराया। सेमीफाइनल में मिली हार के बाद टीम इंडिया की महिला टी20 विश्व में सफर यहीं खत्म हो गया। मैच के बाद टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर काफी निराश दिखी। उन्होंने कहा कि मैच हमारी पकड़ में था, ऐसे में हमें हारने की उम्मीद नहीं कर रहे थे। बिहार में तेजस्वी की ताजपोशी के लिए आरजेडी नेता टकटकी लगाए हुए हैं, उनसे सब्र नहीं हो रहा है। इस बार एक और आरजेडी के एमएलए ने तेजस्वी को सीएम बनाने की मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कर दी। उन्होंने कहा है कि अपने वादे के मुताबिक जितनी जल्दी हो सके तेजस्वी को नीतीश कुर्सी पर बैठा दें। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पार्टी का महाधिवेशन काफी अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी चुनाव के जरिए सीडब्ल्यूसी में शामिल किया जा सकता है। 2024 के आम चुनाव से पहले पार्टी अपने सारे हथियार में धार देने की कवायद में जुट हुई है। 80 साल के खड़गे के जरिए पार्टी बड़े बदलाव के साथ मैदान में उतरना चाहती है। इस 85वें अधिवेशन में पार्टी अपने नव निर्वाचित अध्यक्ष खड़गे के निर्वाचन पर मुहर लगाएगी। आरजेडी कोटे से बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव के अग्निवीरों पर विवादित बयान देने के मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आपत्ति जताई और इसे बेहद ही शर्मनाक बयान करार दिया है। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव अपने मंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। ठंडी हवाओं ने दिल्ली एनसीआर को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर दी है, हालांकि मौसम का मिजाज बता रहा है कि यह राहत क्षणिक है। अगले कुछ दिनों में तापमान थोड़ा और बढ़ेगा। दिल्ली समेत उत्तर भारत में मौसमी फैक्टर्स बदल रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के सीनियर साइंटिस्ट आरके जेनामणि ने बताया है कि अगले कुछ दिन ऐसा ही मौसम रहेगा। गर्मी का प्रकोप इतना तगड़ा दिख रहा है कि मार्च में ही लू झेलनी पड़ सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल शनिवार को बेतिया दौरे पर है। यहां आकर बीजेपी के नेताओं और स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों का शंखनाद करेंगे। इसके बाद पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में जाएंगे। इस अवसर पर बीजेपी के राज्य स्तरीय कई नेता पहले से ही बेतिया में कैंपेनिंग करने में जुटे हुए हैं। 23 फरवरी का दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए काफी रोमांचक और ऐतिहासिक दिन था। भारत की तरफ से यहां एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी हकीकत से वाकिफ कराया गया। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान आज भी आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है। भारतीय काउंसलर प्रतीक माथुर ने कहा कि पाकिस्तानी प्रतिनिधि दल ने कई ऐसे मौकों का जिक्र किया है जिसमें भारत ने राइट टू रिप्लाई के तहत उसे जवाब दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में 28 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी। बिहार के हाईस्कूल और +2 विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले छात्र छात्राओं को शैक्षणिक अनुसमर्थन प्रदान करने के लिए विभिन्न दिव्यांगता के प्रशिक्षित विशेष शिक्षक के कुल 270 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय के भवनों के निर्माण के लिए 1,20,00,00,000 और 62,00,000 रुपए की स्वीकृति दी गई है। बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ी की सीधी नियुक्ति नियमावली 2023 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले ही ईडी की छापेमारी को लेकर वार शुरू हो गया था। रायपुर में पार्टी के 85वें अधिवेशन की शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर रेड को अधिवेशन बाधित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। राज्य सरकार के कई विभागों में ईडी की छापेमारी और पूछताछ का काम चल रहा है। वहीं एक तरफ ईडी की रेड, दूसरी तरफ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी से कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है। पार्टी का कहना है कि अधिवेशन को सफल नहीं होने देने के लिए यह कार्रवाइयां केंद्र सरकार के इशारे पर हो रही हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाते हुए सारी एफआईआर एक साथ करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दिल्ली की निचली अदालत शाम तक खेड़ा को अंतरिम जमानत देंगी, जिसके बाद सोमवार को इस मामले पर दोबारा सुनवाई होगी। मशहूर कवि कुमार विश्वास के एक बयान को लेकर मध्य प्रदेश भाजपा के नेता खासा नाराज हो गए हैं। नाराजगी इस कदर तक बढ़ गई है कि कुमार विश्वास को बाद में माफी मांगते हुए अपने शब्द वापस लेने पड़े। मामला उज्जैन का है, जहां वह ग्राम कथा करने पहुंचे थे। इस दौरान कुमार विश्वास ने आरएसएस को अनपढ़ और वामपंथियों को कूप पढ़ कह दिया था। तेज गेंदबाज यकीनन क्रिकेट में सबसे ज्यादा चोटिल होने वाले खिलाड़ी होते हैं। भारत के जसप्रीत बुमराह चोट की वजह से महीनों से साइड लाइन पर है। वहीं पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी भी इस कारण टीम में शामिल होने से लगातार चूक रहे हैं।
इंग्लैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में शाहीन चोटिल होने के बाद अपनी गेंदबाजी पूरी नहीं कर सके थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की भरमार लग गई। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा था कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को पेनकिलर इंजेक्शन लेकर फाइनल खेलना जारी रखना चाहिए था। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर 26वें दौरे की बातचीत हुई है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया विभाग के संयुक्त सचिव शेरपा अम्बुले भारतीय प्रतिनिधि मंडल के साथ बीजिंग पहुंचे। चीन के समकक्ष अधिकारी और सीमा मामलों के निदेशक होम लियान के साथ बातचीत की। अम्बुले चीन के साथ डील करने वाले विदेश मंत्रालय के सबसे बड़े अधिकारी हैं। सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित यशराज फिल्म्स की पठान ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई है। यह पहले से ही हिंदी सिनेमा के इतिहास में दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है। इसने अब तक 1,003 करोड़ रुपए तक की कमाई कर ली है। हिंदी संस्करण के साथ भारत में गौरवपूर्ण 500 करोड़ क्लब में प्रवेश करने वाली पहली हिंदी फिल्म बनकर आश्चर्यजनक उपलब्धि दर्ज करवाई है। जॉन अब्राहम के पठान में निभाए गए किरदार को भी फैंस लंबे समय तक याद रखेंगे, जिसे खूब सराहा गया है। अरुणाचल प्रदेश में पुलिस ने गुरुवार को नगा विद्रोहियों के बड़े कैंप पर छापा मारा है। यह कैंप भारत म्यांमार बॉर्डर के किनारे चांगलांग जिले में स्टर्न नगा नेशनल गवर्नमेंट नाम के अलगाववादी ग्रुप का था। पुलिस को यहां से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इस बड़े ऑपरेशन को पुलिस ने अकेले ही अंजाम दिया है। पुलिस के प्रवक्ता ने बताया है कि फोटो और वीडियो लेने के बाद कैंप को जलाकर नष्ट कर दिया गया। पश्चिम बंगाल के विश्व भारती यूनिवर्सिटी का गुरुवार को दीक्षांत समारोह है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई इवेंट्स में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। इस बीच छात्रों के एक दल ने बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन टेलीकास्ट करने का ऐलान किया है। बोलपुर पुलिस ने डॉक्यूमेंट्री टेलीकास्ट करने के लिए कोई परमिशन नहीं दी है, लेकिन स्टूडेंट्स इस ग्रुप ने इसका प्रचार करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें ऐसा न करने की चेतावनी भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पीरियड्स के दौरान महिलाओं को वर्क प्लेस पर छुट्टी मिलने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। शुक्रवार को मामला सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के बेंच में लिस्टेड था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस पीएम नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पादीवाला की बेंच ने यह भी कहा है कि अगर एम्प्लॉयज को मेंस्ट्रुअल लीव की छुट्टी देने के लिए मजबूर किया गया तो इससे वे महिलाओं को काम पर रखने से कतरा सकते हैं। मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के लिए प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को उन्हें नॉमिनेट किया। इसके लिए नॉमिनेट होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान प्रेसिडेंट डेविड मालपास के अप्रैल 2024 से पहले ही पद छोड़ने के ऐलान के बाद उन्हें नॉमिनेट किया गया है। इस वक्त 63 साल के भारतीय अमेरिकी बंगा प्राइवेट इक्विटी फंड जनरल अटलांटिक के वाइस चेयरमैन हैं। पाकिस्तान की आर्थिक तंगी पर आरएसएस ने सरकार को पड़ोसी धर्म निभाने की सलाह दी है। संघ के सह सरकारी बार डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने गुरुवार को कहा है कि पाकिस्तान की भुखमरी के दौरान भारत उन्हें 10 से 20 टन गेहूं भेज सकता है। डॉक्टर कृष्ण गोपाल फिल्म प्रोड्यूसर इकबाल दुरानी के दिल्ली में हो रहे प्रोग्राम में बोल रहे थे। इस मौके पर संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार भी मौजूद थे। बीते 20 सालों में मातृ मृत्यु दर में एक तिहाई की गिरावट के बावजूद गर्भावस्था की परेशानियों से हर 2 मिनट में एक महिला की मौत हो जाती है। यह खुलासा संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं की मौत के मामलों में साल 2000 से 2015 के बीच जबरदस्त गिरावट आई है। 2016 से लेकर 2020 के बीच मृत्यु दर स्थिर रही। साल 2000 में 1,00,000 बच्चों के जन्म के दौरान 339 महिलाओं की मौत हो रही थी। 2020 में यह आंकड़ा घटकर 223 हो गया है। मीडिया से बातचीत के दौरान अक्षय कुमार ने कहा है कि उन्हें बुरा लगता है जब लोग उसके कनाडा की नागरिकता लेने के कारण जाने बिना कुछ ही कह जाते हैं। अभिनेता ने कहा है कि इंडिया मेरे लिए सब कुछ है, मैंने जो कुछ कमाया है, जो भी पाया है यहीं से है और मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे वापस देने का मौका मिला है। नागालैंड विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम ने कहा है कि नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद देने का अवसर भी एनडीए को मिला है, तो वहीं उन्होंने संबोधन में कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। पीएम ने कहा है कि दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने कभी नागालैंड की ओर नहीं देखा और न ही कभी राज्य में स्थिरता और समृद्धि को महत्व दिया। कांग्रेस हमेशा दिल्ली से रिमोट कंट्रोल पर नागालैंड सरकार चलाती थी। दिल्ली से दीमापुर तक कांग्रेस ने परिवारवाद की राजनीति की है। सुप्रीम कोर्ट में सजायाफ्ता नेताओं पर चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाए जाने की मांग को लेकर एक याचिका लगाई गई है। सुनवाई के दौरान देश की सबसे बड़ी अदालत से याचिका लगाने वाले वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने कहा है कि हमारे देश के सदन में जितने नेता हैं उनसे कहीं ज्यादा आपराधिक मामले हमारे पास हैं। याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि इस मामले पर संविधान पीठ में सुनवाई पूरी होने के बाद ही सुनवाई करेंगे। मुंबई की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ उनकी पूर्व पत्नी जैनब की ओर से दायर दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया। अभिनेता के वकीलों के अनुसार जैनब ने सिद्दीकी के खिलाफ उनकी पत्नी होने का झूठा दावा करते हुए दहेज उत्पीड़न के मामले में शिकायत दर्ज की थी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक ग्लोबल फ्रेमवर्क की गुरुवार को वकालत की। इसके साथ ही उन्होंने ऋण की वैश्विक कमजोरियों को दूर करने और बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करने की भी बात की है। सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णयों में न्यूट्रल साइटेशन प्रणाली लागू होगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को इसकी घोषणा की है। न्यूट्रल साइटेशन कोर्ट द्वारा दिए गए सभी 30,000 फैसलों के लिए होगा। शीर्ष अदालत ने फैसले एक समान पैटर्न सुनिश्चित करने के लिए इस प्रणाली की शुरुआत हुई है। साल 2016 में 8 नवंबर को अचानक से 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया गया था। अब सूत्रों से यह जानकारी मिली कि नोटबंदी के बाद नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने कुल 900 करोड़ रुपए नकद और 8000 करोड़ रुपयों की अघोषित संपत्ति जब्त की है। इतना ही नहीं, नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की भी संख्या में 25% तक का जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है, जिसका फायदा सरकार को मिलने वाले टैक्स में भी देखा गया है। आज दुनिया भर के लोग भारत को बहुत ही सकारात्मक नजरिए से देखते हैं। मंत्री जयशंकर ने कहा है कि भारतीय लोगों के लिए कड़ी मेहनत का बदौलत है, जो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के संरक्षण के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। विदेश मंत्री ने कहा है कि हर देश की अपनी चुनौतियां हैं और कोई चुनौती राष्ट्रीय सुरक्षा से समान महत्व वाली नहीं हो सकती। उन्होंने कहा है कि भारत एक ऐसा देश है जिसे न तो बाहर धकेला जा सकता है और न ही वह एक हद से अधिक सीमा को लांघने देगा। अमेरिका में इन दिनों राष्ट्रपति चुनाव को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है। साउथ कैरोलिना की पूर्व गवर्नर और भारतीय मूल की निक्की हेली के बाद अब भारतीय अमेरिकन टेक उद्योगपति विवेक रामास्वामी ने भी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी ठोक दी है। विवेक रामास्वामी को अमेरिका की प्रतिष्ठित फाइनेंशियल मीडिया हाउस वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी एक तरह से समर्थन दे दिया है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है एमडी साकिर हुसैन, नुन्नू गोलू कुमार, जितेंद्र ठाकुर, रविशंकर, कुशलेंद्र कुमार सिन्हा, एमडी नौसाद रजा, एमडी सनाउल्ला अंसारी, अंशुप्रिया, अर्जुन राम महमूद अंसारी, संजय चौधरी और अनवर कनी खान। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, दहेज नहीं लेने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।